Very good afternoon. Myself Sanjay Makwana, lecturer, Automobile Engineering, Government Polytechnic College, Ajmer. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वैक्यूम क्लच. देखिए वैक्यूम क्लच का डायग्राम है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, किस तरीके से काम करता है, ये अपन आज देखेंगे. सबसे पहले ये देखिए, आप यहाँ पर ये सर्किट देख रहे हैं, आप ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें एक स्विच है जो कि गियर लीवर के अंदर होता है, बैटरी है, ये सोलेनोइड है, ये एक वॉल्व है, ये आप देख रहे हैं, ये एक वॉल्व है जो कि वॉल चैम्बर के अंदर है और ये इसकी पोजीशन है. इस वॉल चैम्बर के अंदर एक वेंट है जो कि सीधा ये वेंट एक तरफ से जाके और वैक्यूम चैम्बर के लेफ्ट हैंड साइड में कनेक्ट होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड में कनेक्ट हो रहा है और राइट हैंड साइड में भी एक वेंट है. तो इसकी वजह से यहाँ इस वैक्यूम सिलेंडर के अंदर दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. ये देखिए इस वेंट की वजह से यहाँ पर और इस वेंट की वजह से यहाँ, तो दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है और उसकी वजह से ये जो पिस्टन है ये बिल्कुल मिडिल में है. और अभी जो कंडीशन है वो क्लच की, वो है एंगेज वाली कंडीशन. और एंगेज वैसे ही होता है जैसे कि नॉर्मल क्लच, स्प्रिंग ऑपरेटेड क्लच जो होता है, सिंगल प्लेट स्प्रिंग कॉइल, हेलिकल स्प्रिंग कॉइल क्लच, उसी तरीके से ये ऑपरेट होता है, उसी तरीके से वो एंगेज है. और यहाँ देखिए आपके एक वैक्यूम रिजर्वायर है जिसमें हमेशा वैक्यूम बना रहता है. इसके ऊपर एक नॉन रिटर्न वाल्व है और ये नॉन रिटर्न वाल्व जो है मैनिफोल्ड से जुड़ा हुआ है और ये मैनिफोल्ड इनलेट वाल्व की तरफ जाकर जुड़ा हुआ होता है. ये वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले जब इनलेट इंजन सक करता है एयर को, तो जैसे इंजन सक करता है एयर को एट द टाइम ऑफ सक्शन, तब ये नॉन रिटर्न वाल्व ओपन हो जाता है और इस वाले पोर्शन में से, ये देख सकते हैं आप, इस वाले पोर्शन में से एयर जो है वो सिलेंडर के अंदर चली जाती है. और जैसे जैसे एयर सिलेंडर के अंदर जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर धीरे धीरे वैक्यूम बनता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पर हाई वैक्यूम बन जाएगा और वैक्यूम रिजर्वायर में हर समय वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा. तो ये हाईली वैक्यूम जोन बन जाएगा यहाँ पर. और ये नॉन रिटर्न वाल्व एक ही डायरेक्शन में ये वर्क करता है, जिस तरफ से इंजन सक करता है उसी तरफ ही ओपन होता है, अदरवाइज ये क्लोज रहता है. अब इसकी वर्किंग देखते हैं अपन. इसकी वर्किंग बहुत ही सिंपल है. अभी इस कंडीशन में ये जो वाल्व है ये नीचे की तरफ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये पिस्टन जो है बिल्कुल मिडिल में है और इसके दोनों तरफ जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है, तो ये मिडिल के अंदर है और क्लच इस समय एंगेज वाली कंडीशन में. अब होता क्या है कि जैसे ड्राइवर, जब अपन गियर चेंज करने की स्थिति में होते हैं, ड्राइवर गियर चेंज करना चाहता है, गियर लीवर को ऑपरेट करना चाहता है, तब ये जो स्विच आप देख रहे हैं ये क्लोज हो जाता है. अब जैसे ये क्लोज होता है यहाँ से करंट जो है बैटरी से वो सोलेनोइड में जाता है और सोलेनोइड जो है वो एनर्जाइज हो जाती है, मैग्नेटाइज हो जाती है, जिसके कारण ये जो आप वाल देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है. ये आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है और जब ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है तो ये वाल जो है यहाँ पर कहीं आ जाता है. और इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो चैम्बर है वैक्यूम सिलेंडर का लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है ये वैक्यूम के कॉन्टेक्ट में आ जाता है. ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये वैक्यूम सिलेंडर है, इसका जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है वो वैक्यूम के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, वैक्यूम के संपर्क में आ जाता है. और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आप इस वैक्यूम सिलेंडर के अंदर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. देखिए एक तरफ वैक्यूम हो गया और एक तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. अब नो डाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर देन वैक्यूम. तो ये जो पिस्टन देख रहे हैं आप वैक्यूम सिलेंडर के अंदर, ये मूव करता है इस दिशा में, लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करता है और इसकी वजह से ये जो रॉड है ये आप देख रहे हैं जो क्लच के से जुड़ी हुई है ये खींचती है और इसके खींचने से जो क्लच का फॉर्क है, रिलीज लीवर है, वो ऑपरेट होता है और उसकी वजह से क्लच जो है डिसंगेज हो जाता है स्प्रिंग्स को दबाते हुए और पीछे की तरफ मूव करता है और डिसंगेज हो जाता है. तो ये डिसंगेज जो हुआ वो प्रेशर डिफरेंस के कारण हुआ, यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ उसकी वजह से हुआ. और जैसे ही ड्राइवर का गियर चेंज हो जाता है, क्योंकि हम के नॉर्मल कंडीशन में भी ऐसे करते हैं कि जब ड्राइवर को गियर चेंज करना होता है तो क्लच पेडल को दबाते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर जब गियर चेंज करना है गियर लीवर को अपन ऑपरेट करेंगे तो ये एनर्जाइज हो जाएगा और ये वाला पोर्शन वैक्यूम के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा. अब जैसे ही गियर चेंज हो जाएगा उसके बाद में ओपन हो जाएगा, ओपन होते ही वाल्व यहाँ मैग्नेटिज्म जो है एनर्जाइजेशन खत्म हो जाएगा और वाल्व नीचे की तरफ चला जाएगा और ये पोर्शन जो है वो वापस
इस वेंट के कांटेक्ट में आ जाएगा, जिससे क्या होगा यहाँ जो वैक्यूम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एयर यहाँ से होते हुए वापस इस चैम्बर में आएगी, पिस्टन वापस आगे जाएगा और स्प्रिंग की सहायता से जो हेलिकल कॉइल स्प्रिंग्स लगी हुई है क्लच प्लेट के पीछे पूरी सरकमफेरेंस में, उनकी सहायता से क्लच वापस एंगेज वाली कंडीशन में चला जाएगा, एंगेज हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर बार बार वैक्यूम बनता है, वो जब जब इंजन सक करेगा एयर को तब तक एयर यहीं से पास होगी और यहाँ पर वैक्यूम हर समय क्रिएट रहेगा और बनता रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारा वैक्यूम क्लच काम करता है, इस तरीके से इसकी वर्किंग है। थैंक यू।